केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को भेजा प्रस्ताव। सरकार ने कहा किसानों को बैठक के लिए बुलाया। सिद्धू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत। कृषि कानून को वापस लेने से कम पर मानने को तैयार नहीं है किसान। किसानों को बनाने के लिए कल 5 संशोधन कर सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक बनेगी रहेगी MSP। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होंगे बदलाव। मंडी सिस्टम में भी होगा बदलाव। कैबिनेट की बैठक में किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की दी जाएगी जानकारी। आज राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी शरद पवार समेत 5 नेताओं की होगी राष्ट्रपति से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बड़ा बयान दिया। कहा कृषि कानून पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा विपक्ष, फिर भी किसान है हमारे साथ। किसानों के आंदोलन का 14वां दिन। सिंघू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती। बॉलीवुड अभिनेत्री गुल पनाग भी किसानों के समर्थन में सिंधु बॉर्डर पहुंची और किसानों का हौसला बढ़ाया। किसान आंदोलन की सबसे अनोखी तस्वीर। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर पर चढ़कर जी हिंदुस्तान संवाददाता ने किसानों का जायजा लिया। जिला बॉर्डर पर स्कूटी पर पहुंची जी हिंदुस्तान की रिपोर्टर। किसान आंदोलन की अनोखी ग्राउंड रिपोर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर जी हिंदुस्तान रिपोर्टर साइकिल पर ग्राउंड जीरो पर उतरे। साइकिल पर सवार होकर किसानों से की बात। पंजाब के मानसा से किसानों का एक और जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किसानों का ऐलान संघर्ष जीत कर ही वापस लौटेंगे। किसान आंदोलन में ऑटोमेटिक रोटी मेकर से बन रही हैं रोटियां। 14 दिन से डटे किसानों के लिए खाने पीने की भरपूर व्यवस्था। बेंगलुरु में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन। किसान संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता ने कानून को वापस लेने की उठाई मांग। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर BJP का धरना। MCD के बकाए के भुगतान की मांग। केजरीवाल के घर के बाहर BJP मनोज तिवारी भी धरने पर बैठे हैं। तीनों नगर निगम के मेयर भी हुए शामिल। BJP सांसद गौतम गंभीर भी केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे। कहा MCD को 13,000 करोड़ दे केजरीवाल। BJP अध्यक्ष JP नड्डा का 2 दिवसीय बंगाल का दौरा। BJP कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। BJP अध्यक्ष ने कोलकाता में पार्टी के इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन किया। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ और हवन किया गया। JP नड्डा का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा बंगाल की संस्कृति को खराब करने का आरोप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा में एनकाउंटर के दौरान 3 आतंकी ढेर। सेना CRPF और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के सिंगापुरा पट्टन में ग्रेनेड हमले में 3 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अहमदाबाद की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। वटवा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। मुंबई में 3 जगहों पर NCB की छापेमारी। 3 करोड़ रुपए की कीमत का ड्रग्स बरामद किया गया। रिया चक्रवर्ती और शवी को डायरेक्ट ड्रग्स सप्लाई करने वाला गिरफ्तार। ACB ने रीगल महाकाल नाम का पेडलर पकड़ा। मणिपुर के करीब 165 करोड़ की नारकोटिक्स और हथियार बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि NCB ने 6 तस्करों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया। भोपाल में CM शिवराज सिंह ने आला अधिकारियों की बैठक ली। CM ने कहा इस बैठक को कर्मकांड न समझे। कई घंटों तक चली बैठक। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। 15 दिसंबर के बाद से शुरू होगा राम मंदिर निर्माण का काम। पहले चरण में बाहरी सुरक्षा दीवार का काम शुरू होगा। भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। लद्दाख से अरुणाचल तक LAC के करीब चीनी सेना ने बनाए कैंप। सीमा सटे कई कैंपस को आम नागरिकों ने भी देखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानी विदेश मंत्री से की फोन पर बात। अफगानिस्तान में शांति स्थापना और दोनों देशों के संबंध बढ़ाने पर हुई वार्ता। सबमरीन जेपर इंडियन नेवी ने जारी किया वीडियो। भारत की पनडुब्बियों को बताया दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। सऊदी अरब और UAE के दौरे पर आर्मी चीफ नरवणे। रक्षा संबंध मजबूत करने पर होगी बात। 5 दिन के UAE और सऊदी दौरे पर रहेंगे जनरल नरवणे। रक्षा सौदों और उपकरण निर्माण पर हो सकती है बातचीत। सेना और DRDO ने किया अर्जुन टैंक का परीक्षण। सभी मानकों पर खरा उतरा अर्जुन टैंक। जैसलमेर में हुआ टैंक का परीक्षण। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को घेरा। पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स कम करने की उठाई है मांग। आयुर्वेद डॉक्टर को सर्जरी करने की इजाजत देने का विरोध। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले देशभर में विरोध। सरकार से आदेश वापस लेने की मांग। बच्चों के स्कूल बैग होंगे हल्के। होमवर्क भी तय लिमिट से ज्यादा नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय ने दिया है सुझाव। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के निर्माण और उत्पादन क्षमता की झलक दुनिया के सामने पेश करेगा भारत। हैदराबाद पहुंचे 60 देशों के राजनयिक। कोरोना मरीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कोई भी राज्य कोविड मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर न लगाए।
देश में कोरोना के 32,000 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 402 लोगों की गई जान। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 97,35,000 के पार पहुंच गया है, अब तक 141,360 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,188 नए मरीज, कोरोना संक्रमण से 57 लोगों की हुई मौत। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया, 90 साल के मार्केट कीनन को लगाई गई फाइजर की पहली वैक्सीन, 98 साल के जैक का भी हुआ वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार कोविड ऐप करेगी लॉन्च, वैक्सीन के लिए ऐप पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 721 नए मामले सामने आ गए, 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी में बुजुर्ग माता पिता के हितों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार गंभीर, संपत्ति हड़प कर उन्हें बेदखल करने वालों पर होगी सख्ती, विधि आयोग ने भेजा संशोधित प्रस्ताव। यूपी में किरायेदारी कानून की तैयारी में है योगी सरकार, मनमाना किराया बढ़ाने पर लगेगी लगाम, किराएदार और मकान मालिक दोनों के हित होंगे सुरक्षित। उत्तराखंड में आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर, कुछ नियमों की विभागों की नियमावली में हो सकता है संशोधन। ग्रेटर नोएडा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, 7 महिलाओं समेत 18 आरोपी गिरफ्तार हुए, इस बार सेंटर की यार्ड में चल रहा था सेक्स रैकेट। लखनऊ में पेट्रोल डीजल में मिलावट करने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 बदमाश घायल हुए, हथियार समेत लूट का सामान भी बरामद किया गया। यूपी के हाथरस में दबंगों ने की सरेआम फायरिंग, गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, मामला दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। झांसी के चिरगांव इलाके में ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में 2 लड़कियों की मौत, बाइक चालक की हालत गंभीर। मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। भारत बंद के दौरान दुकानें बंद कराने वाले दरोगा पर गिरी गाज, लखनऊ में सरोजिनी नगर के दरोगा राम सुधार यादव को निलंबित किया गया। छतरपुर में बारात में आई कार कुएं में जा गिरी, हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। धार में पंचायत के सचिव और सरपंच पति का एक वीडियो वायरल, बार बालाओं के साथ जमकर लगाई ठुमके, मंच पर जमकर पैसे भी लुटाए, कोरोना काल के नियमों की भी उड़ाई धज्जियां। भिंडके हाउसिंग कॉलोनी में फायरिंग से दहशत, 2 रेजिडेंटों के बीच एक मरीज को लेकर हुआ विवाद, मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। पाकुड़ में 85 साल की बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात, स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर अस्पताल से किया विदा, 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहने का दिया निर्देश। जामताड़ा में सेवानिवृत्त कर्मचारी से 1.5 लाख रुपए की ठगी, 2 करोड़ देने के नाम पर लगाया लाखों का चूना, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। दरभंगा में सोना चांदी के व्यापारी से दिन दहाड़े करोड़ों की लूट, दुकान में घुसकर बदमाशों ने किया वारदात को अंजाम, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पंचायत राज चुनाव 2020 के लिए हुए चुनाव परिणाम में बीजेपी का पलड़ा भारी है, राजस्थान का जिक्र, चुनाव परिषद चुनाव में लहराया परचम, जीत से उत्साहित बीजेपी नेताओं की बैठक। सीकर में चुनावी रंजिश के चलते आपस में भिड़े 2 गुट, संघर्ष में 2 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। बाड़मेर में 2 मासूम बच्चों के साथ विवाहिता ने एक टंकी में कूदकर जान दी, डूबने से 3 की मौत हो गई, ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप। केरल के त्रिशूर में घर में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर जलाशय में छोड़ा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी हुई, सोलंग को अटल टनल से जोड़ने वाली सड़क भारी बर्फबारी के चलते बंद हो गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी, श्रीनगर पहलगाम में तापमान माइनस में पहुंचा, पुंछ कुपवाड़ा कुलगाम समेत 9 जिलों में बर्फीले तूफान की भी चेतावनी। जम्मू कश्मीर में पंच और सरपंच के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, 63% से ज्यादा रहा वोटिंग। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने एक बार फिर राज्य में कानून व्यवस्था पर जताई चिंता, 12 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब। कश्मीरी केसर को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम, यूएई ने बाजार में लॉन्च हुआ कश्मीरी केसर। 2021 में भारत में शुरू हो सकती है 5G सेवा, मुकेश अंबानी बोले देश में 5G क्रांति लेकर आएगी जियो, सस्ते स्मार्टफोन पर भी मुकेश अंबानी ने दिया जोर। 2021 से फिर उड़ान भरेगी जेट एयरवेज, कंपनी के नए प्रबंध बोर्ड ने लिया है फैसला, 2 साल से बंद है जेट एयरवेज की उड़ान। फिंच ने भारत के GDP अनुमान में किया सुधार, कहा अब 10.5% की दर से नहीं गिरेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। एप्पल ने लॉन्च किए ओवर द ईयर एयरपोड्स की कीमत करीब 60,000 रुपए, 4 रंगों में लॉन्च किए गए। चीन में अदरक के उत्पादन पर कोरोना वायरस की मार, पश्चिम देशों में क्रिसमस हुआ फीका, नहीं हो पा रहा है जिंजर ब्रेड का उम्मीद जितना उत्पादन। भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने लिया संन्यास, 17 साल की उम्र में किया था डेब्यू, सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए दी है जानकारी।
हार्दिक पांड्या ने टी नटराजन को बताया मैन ऑफ द सीरीज का असली हकदार। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई टी20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज चुने गए थे हार्दिक पांड्या। सुरेश रैना ने दी सलाह, भारतीय टीम के बल्लेबाजों को करनी चाहिए पार्ट टाइम गेंदबाजी ताकि टीम में बेहतर संतुलन आए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने बीसीसीआई की करी तारीफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जमकर साधा निशाना, कहा बीसीबी अपने खिलाड़ियों का साथ नहीं देती। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया का बड़ा झटका लगा है सलामी बल्लेबाज जो डेविड वार्नर हुए पहले टेस्ट से बाहर। भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में दौरान चोट लगी थी। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया अपनी बुक अनफिनिश्ड का कवर, अगले साल जनवरी में आएगी किताब। फिल्म सुपर सोल्जर में पहली फीमेल सुपर हीरो बनी कैटरीना कैफ। इस फिल्म में किरदार निभाने के लिए एक्ट्रेस ने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। 2020 का सबसे ज्यादा पसंद किया गया ट्वीट बना अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी का ऐलान। ट्विटर इंडिया के मुताबिक ये 2020 का मोस्ट लाइक ट्वीट है। फिल्म सिम्बा के बाद एक बार फिर से बने रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की जोड़ी, फिल्म सर्कस में साथ कर रहे हैं काम। वेन स्ट्रोक के बाद सामने आया आशिकी एक्टर राहुल राय का पहला वीडियो, कहा जल्द लौटता हूं, वीडियो में बहन के साथ आ रहे हैं नजर। साउथ एक्ट्रेस विजय चित्रा का होटल के कमरे में मिला है शव, सुसाइड की आशंका, देर रात शूटिंग कर लौटी थी, कुछ दिन पहले हुई थी सगाई। स्टीव जॉब्स की बेटी ईव जॉब्स ने मॉडलिंग में किया डेब्यू, अपनी बेहतरीन घुड़सवारी के लिए भी सुर्खियों में रहती हैं ईव। पाकिस्तान में संसद से इस्तीफा देगा समूचा विपक्ष, 31 दिसंबर से पहले इस्तीफा देने का किया ऐलान, इस्तीफे के बाद की रणनीति नहीं साफ। पाकिस्तान में आज भी पीडीएम गठबंधन की बैठक, इस्तीफे के बाद की रणनीति पर होगा मंथन, 13 दिसंबर की रैली को सफल बनाने पर रहेगा जोर। इटली में तेज बारिश से हाहाकार, पन्नू नदी खतरे के निशान से ऊपर, कई इलाकों में बना बाढ़ जैसे हालात। इटली के उत्तरी इलाकों में शुरू हुई क्रिसमस की तैयारियां, पहाड़ की चोटियों पर सजाए गए क्रिसमस ट्री, कोरोना तस्दीक के गम भुलाने की कोशिश। कनाडा में एक सेंट्रा ने बनाया दुनिया का सबसे भारी स्लेज खींचने का रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज। एक महिला ने की पानी के पास बेहतरीन स्टंट करने की कोशिश, पर स्टंट खत्म होते ही कोशिश हुई नाकाम, पानी में गिरी महिला, वीडियो वायरल। से पैसे नहीं बल्कि ढेर सारे पैसों को देख रोते रोते चुप हो गया बच्चा, बच्चे को देख लोग हैरान, वीडियो हुआ वायरल। टाइगर को दिखा पानी से भरा टब तो उसने झट से लिया टब में नहाने का मजा, कुर को बताया जा रहा है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक डॉग ने पेश किया दोस्ती की मिसाल, दूसरे डॉग को पानी में बहते देख बचाई जान, सोशल मीडिया पर यूजर्स को पसंद आ रहा है वीडियो। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।